अब देखना इसमें एक खास चीज है टॉर्च, और जो कि ये धीरज को बहुत पसंद आया। हाँ धीरज, सीन केड़ा केड़ा सीन है, सीन है, सीन है, सीन है, दे चिंगारी ना तेरा भाई फुल केड़ा सीन है। मेन अपनी ये देख लो हमर, और ऐसे से अमरनी कैच के ये देख लो, अगर तुम बिलान गिनने पे आए ना तो ये हो जाएगा करीब भाई 15 से 20 बिलान से ऊपर। मैं जानता हूँ तुम भी सोच रहे हो कि भाई ये क्या बन रहा है, क्या चीज, टोपी टोपी लगती है हेलीकॉप्टर। वो ये देखो बम्बे को अच्छा साथ में मैं भी करूंगा, देख जॉगिंग करने में क्या दिक्कत है। देखो आओ, सुबह सुबह हम उठ गए हैं ठीक है, और मैं और मम्मी कर रहे हैं जॉगिंग, और अभी का वक्त मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, दिखाऊंगी क्या बता देता हूँ, 7 बज रहे हैं। और ये देखो, और जो सीन है अपना तुम लोगों ने कहना कि टाइटल हमने देख लिया होगा, ये जो वीडियो है ये वीडियो बना रहा हूँ मास्टर वर्ल्ड चैनल के, लेकिन जो उधर जाके वीडियो बनेगी प्रॉपर अपने दूर से बनेगी, मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जिसे बोलते ना, डिटेल्ड प्रॉपर रिव्यू अपन देंगे उन गाड़ियों का अपने दूर से पे, लेकिन तुम्हें दिखाऊंगा तो जरूर बताओ ना बच्चों, तुम्हें दिखाएंगे थोड़ा मजाक मस्ती करेंगे। आज बहुत लंबा दिन होगा, अपन पहले मेरठ जाएंगे, मेरठ से सहारनपुर जाएंगे, मेरठ में मतलब अपने पास 3 लिमोजिन है ठीक है, एक और लिमोजिन स्कॉर्पियो लिमोजिन, स्कोडा लिमोजिन, साथ में एक हेलीकॉप्टर भी है, हेलीकॉप्टर का ढांचा है वो, और मतलब बहुत कुछ है यार, मतलब तुम बने रहो बस। हमी बस कैब आ रही है, फिर निकलता हूँ। उधर उधर काफी वीडियो है, मम्मी है थोड़ा सा, मतलब ये वाला मामला ना थोड़ा सा, मतलब ये समझ लो कि इस वाली फील्ड में, कार रिव्यूइंग के फील्ड में मास्टरबेटर पता चुके हैं, कंपटीशन बढ़ा चुके हैं हम, तुम जानते हो जहाँ आते हैं वहाँ कंपटीशन बढ़ा देते हैं ठीक है, मजा भर बढ़ाने वाले, मत बढ़ाओ इसको इसको, इसको। हाँ ये तो बढ़ाने वाली चीज ही है। अच्छा बढ़ाने वाली, ये बता करते ये पैरों में से ऐसे गुद्दा बाहर निकले तो बेकार रहेगा ना, अब पेट तो बढ़ता ही तो बढ़े, नहीं पेट में भी गुद्दा एक सीमित तक होता है ठीक है। अच्छा अच्छा, ये ज्यादा हो गया सीमित से, इसे कम करो। बाकी देख लो अभी तक मैंने यार ये लाइट्स भी अपनी बंद नहीं करी कलर वाली, बाहर उजाला भी हो गया आजकल जल्दी हो जा रहा है, और ये कर दिया मैं लाइट्स बंद। अरे वाह, ये देख लो अपनी गाड़ी, लेकिन अपन गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि अपना लाइसेंस तुम मानते हो आया है नहीं, तो कैब से जाएंगे। चलो बस कैब आने वाली है, फिर निकलते हैं। तो देखो मैं टाइम दिखा देता हूँ, टाइम करीब 7:30 बज चुके हैं, और मेरे साथ भाई आपका नाम क्या है? पप्पू, पप्पू राम भाई है ठीक है, नाम पे मत जाना, काम बड़े बड़े हैं। मेरे सामने भाई का एक अवार्ड लगा पड़ा, मैं जैसे मैंने देखा ना अवार्ड, मैं शौक हूँ कि भाई ये अवार्ड किस चीज का, प्रॉपर लिखा पड़ा है टीम विक्रम राठौर। ये देखो इतने सारे मेडल भाई ने रख रखे हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है मास्टर ब्लास्टर, पहले से मुझे लगा लिखा है मास्टर बैटर, ये मेरा अवार्ड क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, लेकिन तुम देख लो प्रॉपर ये सारे अवार्ड मोदी केयर के हैं ठीक है, मोदी केयर अचीवर कारवा टीम विक्रम राठौर। तो भाई अपने आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो? हाँ जी सर। जब मैंने भाई से पहली बार पूछा ना कि भाई ये बताओ ये अवार्ड सामने क्यों रखे हैं, मतलब भाई बोलते पता लगना चाहिए ना क्या करते हैं, क्या करते हैं? फिर इसी बहाने जो बैठता है कस्टमर, फिर वो पूछता है, फिर उसको बता देता हूँ मैं ये काम है मेरा। तो ऐसे ही बंदों को अपने चंगुल में लेते हो है ना? चंगुल में नहीं है, अपनी पसंद होती है सर, कोई चंगुल में नहीं आता है। अच्छा अपनी पसंद होती है, तो प्रॉपर नेटवर्क बनाते हो ऐसे ही? बिल्कुल सर। तो कितना नेटवर्क बना लिया आपने फिर? मेरे कम से कम 20 बंदे जुड़े हैं। 20 बंदे जुड़ गए हैं। भाई देखो आज आने वाला है मजा ठीक है, मेरठ जाते थे पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में समझ लूंगा। बाकी धीरज क्या हाल चाल है भाई? देखो आज बहुत टाइम बाद मैं और धीरज इतनी सुबह सुबह, देखो मैं तो उठाऊं प्रॉपर, मैं उठ के जा रहा हूँ, मुझे इसका नहीं पता। भाई तू सोया है? हाँ, मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई तू सोया है? थोड़ी देर से है। मुझे कुछ ना कुछ तो कम कुछ तो बात होगी ऐसा नहीं, क्योंकि भाई मेरा पता क्या मानना है, मैं सुबह जब भी 6 बजे 5 बजे उठूं, अगर अपना कुछ सीन है मैं धीरज को मैसेज करूं, धीरज उठ गया भाई क्वेश्चन मार्क, अगर धीरज का रिप्लाई मुझे 5 मिनट के अंदर आ रहा है तो समझ लो भाई धीरज सोया ही नहीं ठीक है। उसने बस 5 मिनट क्यों ही दिखा दिया है आपको कि तुरंत ना पता लगे ना ऐसे कि भाई बंदा जगा ही हुआ था वेट कर रहा था, तो मैं समझता हूँ माई फ्रेंड इज आई नो हिज टैक्टिक्स एंड ऑल। भाई मैं चेस खेल रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है धीरे तू चेस खेलना आता है ना, लेकिन मुझे नहीं आता था भाई, वो था ना कि अपने को कौन सा गेम पसंद है, थोड़ा भागम दौड़ वाला हो, क्रिकेट हो गया जैसे, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, आज तक मैं चेस नहीं खेलता क्योंकि चेस में लगता है दिमाग, और ज्यादा दिमाग मैं ऐसे गेमों में लगाना प्रेफर नहीं करता, लेकिन अब क्या कि देखो अपना इतना लंबा रास्ता है, मैं उठते ही मतलब सुबह सुबह उठते मैंने ये नहीं कि भाई चलो अपने को शूट प्लान में ही, मैं 6 बजे उठा, मैं पहले चेस सीखा कि चलो इस पूरे 2 घंटे में अपने आप को चेस का मास्टर बना देंगे, ग्रैंड मास्टर। तूने बचपन में काफी चेस खेला है? स्कूल में कंपटीशन होते थे तो खेलता था। तूने स्कूल में बैडमिंटन भी खेला है, तूने क्रिकेट भी खेला है, तूने चेस भी खेला है, सब में लगा रहता था। तो
यार देखो लगातार 3-4 गेम हारने के बाद मुझे दिनेश भाई अब दिखा रहा है कि देखो ये है दिनेश भाई का नया ब्लूटूथ स्पीकर, और कोई ऐसा सा स्पीकर नहीं है, ये स्पीकर दिनेश भाई के बड़े भाई दुबई से लेके आए हैं। क्या बात है, अल्लाह क्या वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी, हम तो दुबई। और क्या लेके आए भाई? एक ड्रोन है। अच्छा, एक Insta360 है। अच्छा, लेकिन ड्रोन और 360 है वो थोड़ा सप्लाई के लिए है। सप्लाई के लिए? देखो अपने भाई थोड़े बिजनेसमैन भी है, ठीक है। अब देखना इसमें एक खास चीज है, टॉर्च, और जो की ये धीरज को बहुत पसंद आया। धीरज सही में टॉर्च मतलब ये है कि ट्रैकिंग व्रैकिंग करनी हो, कहीं पे भी जाना हो, अंधेरा अंधेरा हो तो आराम से शूट हो जाएगा, है ना, आराम से शूट हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, धीरज के आस पास टोटे जो है ना वो टब के आस पास जब पॉट के आसपास गिरते है ना, तो धीरज ऐसे ढूंढ पाएगा हाँ कहाँ मेरा टोटा। हाथी में सीन ये देख लो स्पीकर की आवाज, सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 दे चिंगारे ना तेरा आवाज फुल गेड़ा सीने। ये अपना गाना है, मेरी आवाज है ये। अच्छा, सही लग रहा है। ये देख लो, ये बोल रहे थे इनका लुक खतरनाक नहीं है, देखो क्या बात है भाई, देख के लगता नहीं बंदा साउथ का कोई गुंडा वुंडा है, विलन की टाइप क्या बात है, तारीफ की ऐसी बात नहीं। बाकी देखो अभी अपन मेरठ पहुंच चुके हैं, ठीक है, और मेरठ में यहाँ पे ढाबा है अपन, ये ढाबा है सतगुरु ढाबा। तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज के पराठे बोल दिए, 3 आलू प्याज के पराठे, दही और साथ में ब्रेड टोस्ट। तो खाते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसा क्या टेस्ट होगा। भाई जैसे ही पराठे आए ना, मुझे पराठे देख के ना, जिसे बोलते ना वो पेट सा भरने लग गया, क्योंकि तुम पराठा देख, ये देख लो पराठे का एक पीस है प्रॉपर, देख रहे हो तंदूर वाले पराठे हैं, और इसको प्रॉपर ये अजवाइन सी शायद डाल रखी है, जो भी है बहुत हैवी होने वाला इतना तो मुझे और अपने पप्पू भाई साहब को पता लग गया है। ये शायद 40-50 की दही है इतनी, और ये अपना अमूल बटर, गरम गरम पराठे सुबह का वक्त गलत मजा। ये है देसी पराठा, मतलब भाई घर में बनता है ना वैसा नहीं है, इसका स्वाद कुछ अलग है, मतलब मैं बता रहा हूँ जो मूर्छा वाला स्वाद होता है ना वैसा भी नहीं, कुछ अलग देसी। साथ में अपना बटर टोस्ट भी आ गया, ठीक है। तो यार देखो अब हम मेरठ पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये अपने फाइन मोटर्स है जहाँ पे अपने को आना था। मेरे साथ यहाँ पे मजर सैफी भाई, मजर सैफी भाई कैसे हाथ मिलाओ भाई से यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे अपने पास है 3 लेमोजीन, ये देखो सबसे पहली गाड़ी ये अपने पास पूरी लेमोजीन है खैच के, भाई इधर से दिखाओ मीटर, ये देखा दो पूरी खैच के बना रखी है, ठीक है। और जरा भाई से पूछते हैं, भाई कौन सी गाड़ी है? भाई ये सोनाटा की एम्बेरा है, सोनाटा की एम्बेरा, उसको भाई ने खैच दी। और सबसे मेन चीज पता क्या इसमें, ग्रिल, ये ग्रिल अमेरिका से मंगाई है इसकी। भाई ने इस ग्रिल को अमेरिका से मंगा रखा, भाई कितने की आई इस ग्रिल की? भाई ये ग्रिल लगता है 42,000 में पड़ी है, ये देख लो 42,000, कितना होता है ये 42,000, 42,000 की सिर्फ ग्रिल, ठीक है। और बाकी पूरी देख लो गाड़ी, इसमें क्या, इसमें थोड़ा काम बच रहा है, लेकिन मेन है अपनी ये देख लो हमर, और ऐसे से हमें नहीं खैच के, यहाँ पे सारे काम होते हैं खैच के, हमर भी खैच के बना देखिए, याद हो आगे जरा भाई यहाँ से दिखाते रहो, ये देख लो अगर तुम बिलान गिनने पे आए ना तो ये हो जाएगा करीब भाई 15-20 बिलान से ऊपर, यू यू करके रहना, ठीक है, 20 बिलान से ऊपर बैठे। देखो इतनी बड़ी, और आगे से लोग दिखाते हैं, ये देखो प्रॉपर भाई ने हमर का लुक दे रखा है ऐसे, एक बार आओ जरा इंटरनेट दिखाते हैं, ये देखो अंदर से इसका मामला कुछ ऐसा है भाई, उधर दिखा दो उस तरफ, पूरा लंबा खैच मारे का, सामने टीवी भी है, ठीक है। और जो सबसे मेन चीज है वो है इसके ऊपर की स्टार लाइट्स, देख लो कितना बढ़िया कर रखा है, मतलब एक चीज है ना कि यहाँ पे काम होता है चीप एंड बेस्ट, है ना भाई। जो सबसे आखिरी गाड़ी है वो अपनी है होंडा एकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू लिमोजीन, ठीक है, तुम देख लो इसका लुक प्रॉपर खैच के, यहाँ पे हल्का उल्का फाइनल काम हो रहा है, ठीक है, बस इसको डन हो जाएगा, बाकी तुम अंदर इंटरव्यू भी दे सकते हो। प्रॉपर जो इंटरव्यू का सब कुछ काम हुआ है डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में तुम्हें दिखाई दिया होगा, सबसे मेन जो मुझे दिखाना था इस वाली वीडियो में वो था अपना अंदर जो काम हो रहा है हेलीकॉप्टर, ठीक है, वो सबसे मेन चीज है। आ जाओ देखो सबसे मेन तो भाई ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और मेन बढ़िया बात ये कि यार अपनी तुम देख लो ये जो लेमोजीन बनी है होंडा एकॉर्ड वाली, ये एक मैंने 2 साल पहले वीडियो आई थी लेमोजीन के ऊपर, ठीक है, तो वही वीडियो देख के वो कस्टमर ने बनवाई है ये वाली लेमोजीन, और साथ में हेलीकॉप्टर भी अपने वीडियो देख के कस्टमर आया, तो ये बहुत बढ़िया है, कन्वर्जन बढ़िया होता है अपनी वीडियो का, देख लो कन्वर्जन रेट है ना। बाकी तुम देखो, अरे वाह ये देख लो भाई टोपी टोपी लग गई हेलीकॉप्टर को, मैं जानता हूँ तुम भी सोच रहे हो कि भाई ये क्या बन रहा है क्या चीज, मजर भाई ये सब बताएंगे, मजर भाई है क्या ये बता दो अच्छे से, भाई ये हेलीकॉप्टर है ये तो दिख रहा है, और इसको बना रहे हैं हम पहली बार, अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, अच्छा और इसमें इंजन लग रहा है, इंजन नहीं लगाएंगे लेकिन पंखड़ी जरूर घुमाएंगे, इंजन नहीं पर इंजन के अलावा सब कुछ जैसे बोलते हैं इंटीरियर जेन्युइन की तरह बनेगा अंदर से भी और बाहर से भी। और ये कहाँ जा रही है? ये जाएगा जालोर के पास, जालोर में ही जाएगा लगभग, सिटी जालोर है राजस्थान, रेस्टोरेंट के लिए जा रहे हैं जी जी, मेन रेस्टोरेंट का फार्म हाउस है मजासी, अच्छा अच्छा फार्म हाउस के लिए जा रहे हैं, फार्म हाउस मेन फार्म हाउस, और तुम देख रहे हो फार्म हाउस का सेंट्रल अट्रैक्शन अपना हेलीकॉप्टर भी होने वाला है, ठीक है, और मेन चीज पता क्या है पूरा हैंडमेड है, तुम देख लो अपनी ये मेन जो गाड़ी है जो तीसरी वाली है ना वो बाहर निकल चुके, देखो कैसा लुक लग रहा है, देख रहे हो अभी इसको अपन अपनी लोकेशन पे ले आ रहे हैं, वहां पे प्रॉपर डिटेल बनाएंगे व्यू जाने के लिए, लेकिन लुक देख लो, और हर कोई देख रहा है यार ऐसी बात नहीं, हर कोई। हां धीरज
सही में बहुत बढ़िया यार, लगा नहीं था इतनी बड़ी होगी। सही बात है, ऐसा लग रहा है दुबई में हूँ मैं भाई। लग रहा है दुबई में अपन अबू धाबी ले आए हैं। हां वल्लाह अभी भी कम टू दुबई। पास हो पास हो, आओ इधर आगे जाओ, मेरे से आगे जाओ। दिखाओ फोटो दिखाओ अपनी, ये देखो जैसे बोलते हैं ना कति जहर, ये मेरठ में हो रहा है कति जहर मामला। भाई का पोज देख रहे हो, मॉडल अगर मेरठ में हो गया ना मॉडल हंट तो भाई भी जीता है उसमें। भाई का पोज ऐसा यार जैसे बोलते हैं ना माँ कसम का सूता वाला। देखते हो ना ब्लॉग, इधर देखा भाई ब्लॉग देखते हैं हमारा, काफी खूबसूरत है तुम। मैंने पहले में कुछ और बोलने वाला था भाई, भाई अपना ब्लॉग ही देखते हैं ठीक है। साथ में ऐसे करो बोलो फुल गलत। तो देखो अब हम मेरठ से निकल चुके हैं ठीक है, और यहाँ से अपने को सहारनपुर जाना है मेन। क्या देखो मुझे लगा था कि सहारनपुर होगा 100 किलोमीटर 110, लेकिन जब मैंने मैप देखा ना तब पता लगा यहाँ से करीब 170 किलोमीटर है ठीक है, और 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। भाई साहब काफी लंबा होने वाला है। अपने साथ भाई है, भाई आपका नाम मोहम्मद खुबैब। मोहम्मद खुबैब भाई ठीक है, ये अपने को ड्रॉप करेंगे जो कि अपने मजर भाई ने अरेंज किया है। और मेन क्या है कि देखो मैं यहाँ पे बिरयानी खा रहा हूँ। हाँ अब मेरठ आगे अपन को चिकन चिकन वाला आइटम ना खाया ऐसा फिर गलत हो जाएगा ना, फिर मेरठ क्यों ही आए, गाड़ी भी क्यों ही, मतलब गाड़ी की तो बनती रहती है, थोड़ा चिकन भी होना चाहिए। तो यहाँ से हमने चिकन लिया है, ये चिकन बिरयानी प्रॉपर और ठेले से लिया है, 120 रुपए की अपने को बिरयानी पड़ी है जो कि बहुत सही है। मतलब मैं खा के देख रहा हूँ यहाँ पे तो ठेले ठेले में स्वाद है चिकन में। तो देखो तुम लोगों ने तो देख ही लिया अपनी फिएट पुंटो गाड़ी का क्या हाल हो गया था, है ना। तो एक बार जरा मोहम्मद भाई से पूछते हैं। मोहम्मद भाई ये बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा, मजा आ गया, सीख मिली ये बताओ। सीख मिली कुंदा रखना, वो गाड़ी कुंडी सी, हाँ गाड़ी खींचने के लिए कुंदा। अरे पब्लिक को तो बता कि मोहम्मद भाई ई रिक्शा को क्या बोलते हैं, मेट्रो। अरे धीरज क्या हम इसको रीटेक करें, फक ऑफ। भाई एक चीज बढ़िया है, चेस में कोई दिक्कत नहीं आई और अपना बम्पर वम्पर भी बच गया। गाड़ी मजबूत होने की वजह है। कौन सी गाड़ी भाई, आई सुजू का कोई मतलब रोल नहीं था। नहीं यार इसका तो सारे मतलब इंडिया में वही पड़े होते। हाँ भाई वो तो यार समझ लो किस्मत अच्छी थी और वो सारे भाई ना देवताओं की तरह है। गाड़ी फंसी पांच मिनट अरे अरे बताता हूँ तुम्हें, गाड़ी फंसी 5 मिनट के अंदर मैं निकला ठीक है, 5 मिनट लगे प्रॉपर। हम पहले सोच रही है वो क्या गया, मैं आगे बैठा मेरे को ऐसा लग रहा है अभी क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे थे ऐसे कैसे हो गए। मैं निकला मैं देख रहा हूँ क्या हो गया, फिर दो भाई उधर से आए, इधर से तीन भाई फिर और आए। उसके अलग बात, आते भाई ने स्टीयरिंग पकड़ लिया डायरेक्ट ही, प्रॉपर देवताओं वाले फिल्म ना। अरे उधर से अपने शिव जी आ गए, अरे विष्णु जी भी आ गए, अरे हनुमान अलग से आ रहे हैं, मतलब जैसे बोलते ना सारे भाई सच में भगवान की तरह आए। और उसमें एक अपने भाई भी आए थे मोहित भाई मोहित शर्मा जो कि न्यूज चैनल में आते हैं, और सबसे पहले अपने मोहम्मद भाई ने पहचाना ठीक है, फैन बॉय मोमेंट होता है ना वो था। तुम लोग जानते हो शायद धीरज भाई के फेवरेट है, मतलब इतना उनका भी नाम है, तो वो अपने मदद करने रुके। फिर मेन तो भाई रोल था आई सुजू का, जब वो लोग आए ना उसके बाद से तो भाई फिर मतलब 10 मिनट के अंदर ही अपनी गाड़ी निकल गई, उससे पहले बहुत मेहनत ही कर रहे थे। तो अच्छा लगा, मतलब अच्छा क्या जो हुआ ठीक कभी, है कभी इधर से धक्का लगाना, हाँ कभी इधर से कर जा रहे थे और नहीं, और धीरज भाई लगे हैं वीडियो बनाने में। मैं बता रहा हूँ धीरज भाई है मेरे कमांडो ठीक है, उनको बताया मैं कर लूंगा मेहनत, भाई को बताया वीडियो कैसी खींचनी है चुपके से, ही इज वेरी बिजनेस माइंडेड भाई। मैं ढूंढ रहा हूँ तो भाई जो है ना कैमरा इधर ले रखा और यही भाई प्रॉपर ऐसे ही।
त्योहार देखो उसके बाद अपन सेफली घर आ गए थे, ठीक है। मतलब वो जो इंसिडेंट हुआ था जब अपनी गाड़ी बजी थी वो होगा करीब 12-1 बजे का इंसिडेंट, और मुझे यार वहां से दिल्ली आने समझ लो मतलब सुबह के 5-6 बज गए थे, ठीक है। मतलब काफी लंबा दिन हो गया था वो है, लेकिन एक चीज अपने को देखने को मिली कि हाँ यार आज भी मतलब इस वक्त भी यार लोग मदद करते हैं ऐसे। हाँ मतलब अगर कोई फंस जाए, किसी को कुछ मुश्किल है, कोई दिक्कत फंस गई, जैसे हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो हर 2 मिनट के अंदर नया बंदा आ रहा था मदद करने हमारी। मतलब ये काफी अलग बात थी, अभी मुझे पता नहीं किया मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे लोग पहचान रहे थे इसलिए आ रहे थे या फिर नॉर्मल आ रहे थे। अगर नॉर्मल आ रहे थे, नॉर्मल मतलब मदद करने आया था तो बहुत बढ़िया बात है यार, क्योंकि तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। हाँ मतलब सच में मुझे देख के इतना अच्छा लगा ना, हर 5 मिनट के अंदर नया बंदा आ रहा मदद करने। आईसीयू उसको लास्ट में आई, लेकिन उसने प्रॉपर अपनी गाड़ी निकाल दी ना, अगर आईसीयू नहीं आती अपनी गाड़ी निकलती भी नहीं आई, ठीक है। बाकी चलो इस वाली वीडियो एंड करते, और देखो थोड़ा सा ना मेरा आज मूड खराब है, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम लोग ना नेक्स्ट वाली वीडियो देखना, ठीक है। अगर जितने लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो किया है तुम लोगों को पता होगा, देखो जितने लोगों को पता है वैसे तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लव कर दूंगा। बाकी थोड़ा मूड खराब है यार, क्योंकि कल कुछ घटना हो गई है और आज भी मैं उसी घटना को थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, तो बस वेट करना, वीडियो आ जाएगी इसी चैनल पे कल या परसों में, जब भी आएगी तो पता लग जाएगा। चलो वीडियो एंड करते हैं, ये वाली वीडियो तो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं तो देखो सब्सक्राइब कर दो। मेन क्या है यार, देखो अपने को ना जल्द से इस चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर करने, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ कि देखो यार आज भी लोग मदद करने रुकते हैं, ठीक है। चलो मैं यहीं पे अलविदा लेता हूँ, तुमसे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यार मैं वहां से अगले, तब तक के लिए गुड बाय।